मेंडियर जीके और पेरेंट कंपनी प्रेपक्यू की ओर से मैं मनीष काणे करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स के इन सेशंस में हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, स्पेशली जो क्वेश्चंस एमबीए एंट्रेंस या किसी गवर्नमेंट एग्जाम में, जैसे बैंकिंग की एग्जाम होगी या एसएससी की एग्जाम्स हैं, इस तरह की एग्जाम्स में जिस तरह के क्वेश्चन आप देख सकेंगे या आते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की डेट है 9 मार्च 2019, और चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन फॉर कॉल्ड पोलो टू ट्यूटर चिल्ड्रन टू रीड इन हिंदी एंड इंग्लिश? इसका सही जवाब है गूगल। और ये जो ऐप है, इस ऐप को गूगल ने बनाया है, और इसका एम है प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ना सिखाना, या हिंदी और इंग्लिश लिखना बोलना सिखाना। ये ऐप पूरी तरह से फ्री है और ये इंडिया में अभी अभी लॉन्च हुई है। इसमें गूगल की स्पीच रिकॉग्निशन और टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया गया है। अब कुछ बातें गूगल के बारे में जान लीजिए। ये एक अमेरिकन कंपनी है जो इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। सबसे ज़्यादा चलने वाला इनका सर्च इंजन है, और बेसिकली इस सर्च इंजन को वो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए यूज़ किया है। क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, मतलब जितनी भी लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, इनमें गूगल है। और इसके CEO फिलहाल सुंदर पिचई हैं। इन ये कंपनी का उद्घाटन, इट वॉज लॉन्च इन 1998 इन कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिए इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आ सकता है, गूगल का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड, और इसका हेडक्वार्टर है माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स। इसकी सब्सिडियरी कंपनीज जो गूगल जिसको ओन करता है वो है यूट्यूब, गूगल एडमॉब और डायलॉग फ्लो। गूगल के फाउंडर मेंबर्स थे लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूएस हैज रिड्यूस वीजा वैलिडिटी फ्रॉम 5 years टू 1 year फॉर सिटीजन्स बिलोंगिंग टू विच नेशन? इसका सही जवाब है पाकिस्तान। अब मनीष सर से हम जानेंगे कि इसका आंसर पाकिस्तान क्यों है। तो रीजन बहुत सिंपल है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है यूएस मीडिया पर्संस को लेके, और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ये अमेरिकन जर्नलिस्ट को सिर्फ 3 महीने का वीजा देता है और इससे ज्यादा अवधि का वीजा नहीं देता है, और जिसके एवज में अब यूएस ने भी इस तरह का एक रिटेलिएटरी कदम उठाया है कि अब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को यूएस में हर 3 महीने के बाद वर्क परमिट को रिन्यू करना जरूरी होगा, एक। और दूसरा, जो पाकिस्तानी सिटीजन्स है इन जनरल, उनके लिए वीजा वैलिडिटी जो रहेगी वो 5 साल की जगह 1 साल तक ही सीमित कर दी गई है। तो एक तरह से ये रिटेलिएटरी कदम है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन द्वारा अमेरिकन एम्बेसी ने ये भी बताया है कि एक एडिशनल फी चार्ज की जाएगी टेम्पररी वर्क वीजा, जर्नलिस्ट और मीडिया वीजा, इंटर कंपनी ट्रांसफर वीजा या रिलीजियस वर्कर वीजा, किसी भी तरह का वीजा इनको लेना है तो एक एडिशनल फी चार्ज की जाएगी। अगला क्वेश्चन, शेख अहमद अल फहाद अल साहब हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इज फ्रॉम विच कंट्री? तो इसका आंसर है कुवैत। इसका भी हम एक्सप्लेनेशन जानेंगे सर से। तो शेख अहमद अल फहद अल सबह ये अभी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पद पे री इलेक्ट हुए हैं, और ये एक मेजर पावर ब्रोकर कंसिडर किए जाते हैं वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट में, और इनको एक नया 5 साल का टर्म मिला है 2024 तक ये इसी पद पे बने रहेंगे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है ये एक बॉडी है जो एशियन गेम्स और दूसरे रीजनल इवेंट्स को कंट्रोल करती है, मॉनिटर करती है। क्वेश्चन नंबर 4,
Which of the following has referred to India as a key hub for illicit drug trade? Answer है UNODC. अब जानिए इसका explanation. तो United Nations Office of Drugs and Crime इन्होंने इंडिया को एक की हब बताया है इलीगल ड्रग ट्रेड के लिए, और एक स्टडी की थी जिसमें ये बताया गया था, जिससे ये पता चला था कि करीब इंडिया में 1000 ड्रग लिस्टिंग्स हैं और 50 ऑनलाइन क्रिप्टो मार्केट प्लेटफॉर्म्स हैं. और रिपोर्ट ने यह भी कहा था कि 2017 में इंडियन अथॉरिटीज़ ने 2 इलीगल इंटरनेट फार्मेसीज को बंद किया था, और इस इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्रांस एंड टर्की टुगेदर अकाउंटेड फॉर 83% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ मॉर्फिन रिच ओपिएट रॉ मटेरियल्स इन 2017. द थीम ऑफ वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे इज, आंसर इज चिल्ड्रन सेफ्टी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ इसका एक्सप्लेनेशन जानिए. तो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे हर साल 1 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है पूरी दुनिया में, और इस साल इस वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे की जो थीम थी वो थी चिल्ड्रन सेफ्टी अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये दिन जो पहली बार ऑब्जर्व किया था 1990 में इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ने. द डे मार्क्स द एंट्री इनटू फोर्स ऑफ द ICDO कॉन्स्टिट्यूशन एज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन 1972. तो इसी दिन ICDO यानी इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा इसको प्राप्त हुआ था 1972 में, और इसीलिए 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज द न्यू सीरीज ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंडली सर्कुलेशन कॉइन्स. विच डिनोमिनेशन कॉइन विल बी ऑफ 12 एज्ड पॉलीगॉन शेप. आंसर है ₹20. अब जानिए इसका एक्सप्लेनेशन. तो गवर्नमेंट ने ये नई सीरीज निकाली है जो विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंडली कॉइन्स का, और इस कॉइन का जो कंपोजिशन होगा ये 65% कॉपर, 15% जिंक, 20% निकल आउटर रिंग पे होगा, और इनर रिंग मतलब जो सेंटर पीस होगा इस कॉइन का, इसमें 75% कॉपर और 20% जिंक और 5% निकल होगा. Who has been nominated as the head of food and agricultural organization? Answer is Ramesh Chandra. अब इसका explanation जानिए. तो इंडिया ने रमेश चंद्रा जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं, इनको नॉमिनेट किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को हेड करने के लिए. और रमेश चंद्रा को के कंपटीशन में है चाइना से क्यू डोंग्यू, कैमरून से मेदी मोंगुई, फ्रांस से कैथरीन गेजलिन लैनीली, और जॉर्जिया से डेविड किरवालिड्स. और इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं रमेश चंद्रा के. और डायरेक्टर जनरल के पद पे इलेक्ट होने के लिए एक सिंपल मेजॉरिटी लगेगी रमेश चंद्रा को 194 जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी वोटिंग में. और आज तक द ओनली इंडियन हु हेडेड द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाज विनय रंजन सेन, जो कि 1956 और 57 में FAO के डायरेक्टर जनरल थे. FAO एक स्पेशलाइज्ड यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जो हंगर को डिफीट करने के लिए इंटरनेशनल एफर्ट को लीड करती है, और इसको एस्टैब्लिश किया था 1945 में. Which two organization form a working group Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana scheme? Answer is IRDAI and NHA. Next question. Who has been appointed by the United Nations Development Program as its newest goodwill ambassador, supporting the agency's fight against inequality and discrimination around the world? Answer is Padma Lakshmi. Iska explanation janiye. To Padma Lakshmi jo hai ye Indian American hai aur TV personality aur food expert hai.
और इसी वजह से इन्हें यूएनडीपी की नई गुडविल एम्बेसडर के पद पे अपॉइंट किया गया है और इन्हें इस पद पे रहते हुए सपोर्ट करना है एजेंसी की फाइट को इनइक्वालिटी और वर्ल्ड में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके अगेंस्ट में। और यूएनडीपी ने इसका अनाउंसमेंट मतलब पद्मलक्ष्मी का अपॉइंटमेंट इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ईव मतलब उसके एक दिन पहले किया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे, हाउ मच परसेंट ऑफ इंडियन रूरल हाउसहोल्ड हैव एक्सेस टू टॉयलेट्स? आंसर इज 96.5%। अब इसका जानिए एक्सप्लेनेशन। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन एजेंसी ने ये सर्वे किया और इसमें उन्होंने पाया कि 96% रूरल हाउसहोल्ड जो हैं उनके पास टॉयलेट का एक्सेस आज की तारीख में है। तो ये एक बहुत बड़ा परसेंटेज है और स्वच्छ भारत ग्रामीण की सफलता का एक बहुत बड़ा प्रमाण भी है। इट ऑल्सो कन्फर्म्ड द ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस ऑफ 90.7% ऑफ विलेजेस विच वर प्रीवियसली डिक्लेयर्ड एंड वेरीफाइड एज ओपन डिफिकेशन फ्री बाई वेरियस डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट्स। 95.4% ऑफ द विलेजेस सर्वेड हैव फाउंड मिनिमल लिटर एंड मिनिमल स्टैग्नेंट वाटर। तो स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम के लॉन्च होने के पश्चात 9 करोड़ टॉयलेट्स हमारे इंडिया में बिल्ड हुए हैं और ये 5.5 लाख विलेजेस और 615 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हुए बनाए गए हैं। अब हम आ गए हैं आज के क्वेश्चन फॉर द डे पे। पहला क्वेश्चन, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया? दूसरा क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द यूएनडीपी एज इट्स गुडविल एम्बेसडर? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में नीचे देना है। अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सेशंस को आप अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पेजेस पे, कहीं पे भी शेयर कीजिए। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू अस। अगर आप कैट एस्पिरेंट है तो आपके लिए कैट कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन, प्रेप क्यू ए कॉम्प्रिहेंसिव और प्रेप डी आई एल आर कॉम्प्रिहेंसिव, इस तरह के 3 कोर्सेज हैं जो आपकी मदद करेंगे प्रिपरेशन में। और ये ट्यूटर गाइडेड बेसिक्स टू एडवांस्ड कोर्सेज हैं। अगर आप फ्री रिसोर्सेज देखना चाहते हैं तो मेंडियोर मैथ्स, मेंडियोर रीजनिंग और मेंडियोर gk.com पे जा सकते हैं। अगर आप करियर रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए। साथ ही अगर इन कोर्सेज के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।